हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के रेड बटन को ज़रूर दबा दें, साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोज़ को देख पाएँ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाएँ, साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारी मेहनत रंग ला सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जनवरी 14 जनवरी 2019 के सेलेक्टेड क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1, प्रयागराज कुंभ कब से कब तक चलेगा? तो दोस्तों, प्रयागराज कुंभ जो यूपी के प्रयागराज में आरंभ हुआ है 14 जनवरी 2019 से और यह 3 मार्च 2019 तक चलेगा। प्रश्न संख्या 2, कौन सा राज्य गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? दोस्तों, गुजरात भारत का प्रथम राज्य बन गया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 14 जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को 10% आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है और इस प्रकार यह गुजरात देश का प्रथम राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नासा द्वारा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम 2019 के चिल्ड्रन आर्ट वर्क कैलेंडर के कवर पेज पर किस भारतीय बच्चे का बनाया गया चित्र सेलेक्ट किया गया है? उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 साल की दीपशिखा का बनाया गया चित्र नासा द्वारा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम 2019 के चिल्ड्रन आर्ट वर्क कैलेंडर के कवर पेज पर सेलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसा के झारसुगुड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस पार्क का उद्घाटन हाल ही में यानी जनवरी 2019 में किया है? तो दोस्तों, ये पार्क का नाम है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसका उद्घाटन उड़ीसा में श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की रथ यात्रा को अनुमति दी है? तो दोस्तों, बीजेपी की रथ यात्रा को पश्चिम बंगाल में अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 6, एचबीओ टीवी चैनल किस मशहूर टीवी सीरीज के अंतिम एपिसोड का प्रसारण 14 अप्रैल 2019 से करेगा? दोस्तों, एपिसोड सीरीज का नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स प्रसिद्ध टीवी सीरीज के अंतिम एपिसोड का प्रसारण एचबीओ चैनल 14 अप्रैल 2019 से करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 13 जनवरी 2019 को मानसिक रूप से बीमार किस पाकिस्तानी महिला ने गणतंत्र दिवस अभ्यास के दौरान उच्च सुरक्षा घेरे में घुसकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे? तो दोस्तों, महिला का नाम है पाकिस्तान के हैदराबाद के निजामाबाद की सुल्ताना नामक महिला। सुल्ताना नामक महिला ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे 13 जनवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 8, इंडोनेशिया की नौसेना के गोताखोरों ने अक्टूबर 2018 में दुर्घटनाग्रस्त हुए लायन एयर के जेट विमान बोइंग 737 MAX 8, जिसमें 189 यात्रियों ने जान गंवा दी थी, का कौन सा इंस्ट्रूमेंट ढूंढ निकाला है? दोस्तों, सही जवाब है कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को इंडोनेशिया की नेवी ने ढूंढ निकाला है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी राज्य सरकार 1 अप्रैल 2019 से सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर करने पर काम कर रही है? तो दोस्तों, दिल्ली सरकार इस तरह की योजना पर काम कर रही है।
जो कि सराय का लेखा अथॉरिटी ड्राइविंग अथॉरिटी में शुरू भी किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, 26 जनवरी 2019 की परेड में पहली बार किस महिला दस्ते को शामिल किया जा रहा है? तो दोस्तों 26 जनवरी 2019 की परेड में पहली बार महिला स्वार्ड स्वार्ड कमांडो दस्ते को शामिल किया जाएगा। स्वार्ड कमांडो दस्ते को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 13 जनवरी 2019 को अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेस मैसी एबार के खिलाफ बार्सिलोना की जीत में ला लिगा फुटबॉल में अपना कितनेवां या कौन सा वां गोल दागकर विश्व के सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं? तो दोस्तों 13 जनवरी 2019 को लियो नेस मैसी ने अपना 400वां गोल दागकर विश्व के प्रथम फुटबॉलर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूपी महिला हैंडबॉल टीम की किस खिलाड़ी को सोलापुर महाराष्ट्र में समाप्त हुई 47वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों गोलकीपर शिवा सिंह को बेस्ट गोलकीपिंग का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एम रामा सुब्रमण्यम मणि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने कंप्यूटर प्रणालियों को इंटरसेप्ट करने, उन पर नजर रखने, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए किस कानून के तहत 10 कंपनियों को अधिकार दिए हैं? तो दोस्तों सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत ये अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट के आंकड़ों के अनुसार हर्बल औषधीय जड़ी बूटियों का वैश्विक बाजार कितने बिलियन डॉलर का है? दोस्तों 14 बिलियन डॉलर का व्यापार हो सकता है भारतीय हर्बल औषधि जड़ी बूटियों का वैश्विक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रदेश में देश का पहला गोकुल ग्राम बनाने का निर्णय लिया जिसमें 500 एकड़ जमीन पर 600 देसी गायों को रहने की व्यवस्था की जाएगी? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहला गोकुल ग्राम देश का पहला गोकुल ग्राम बनाने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, चीन का अमेरिका के साथ व्यापार निवेश बढ़ता 17-18 में कितना हो गया था? तो दोस्तों चीन का अमेरिका के साथ व्यापार निवेश बढ़कर 2018 में 333.3 अरब डॉलर हो गया था जो कि 2017 में 275.8 डॉलर था। क्वेश्चन नंबर 16, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति दिसंबर में 8 महीने के निचले स्तर पर जाकर कितने प्रतिशत रही थी? तो दोस्तों आंसर है 3.8%, जो कि नवंबर में यानी नवंबर 2018 में थोक मुद्रा स्फीति 4.8% थी और जो दिसंबर 2017 में 3.58% थी। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाम चंद कटारिया ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने भारत के शल्य चिकित्सा के जनक
आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की उपाधि दी है। दोस्तों, कोलंबिया स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इरविंग मेडिकल सेंटर ने भारतीय आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की उपाधि से नवाजा है। दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिकी समर्थित कुर्द लड़ाकू के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है? तो दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कुर्द लड़ाकुओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको चेतावनी दी थी लड़ाई बंद करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।